हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और अभी की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के बज गए हैं 7। तो कल यहाँ रात भर बारिश थी, तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक होकर बारिश रुक गई है। तो मैं आपको सीधे बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो अभी आप यहाँ से बाहर का मौसम देख सकते हो, पूरा हॉल लगा हुआ है। और कल रात भर बहुत ज़्यादा बारिश थी, अभी थोड़ा मौसम जो है ठीक हो गया है। और अंदर आज यहाँ जो है पूरा लीप दिया है अभी, क्योंकि आज है यहाँ सरात तो आज यहाँ सरात है, तो अंदर भी पूरा लिप दिया है। तो अभी यहाँ साफ सफाई चल रही है फिलहाल अभी, और मौसम तो कुछ ऐसी हो रखा है, गड़बड़ गड़बड़ सा। तो आज तो धूप आना मुश्किल है फिलहाल आज तो। अभी यहाँ पे को जो है पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, पहाड़ी गीजर, पहाड़ी गीजर ये है पहाड़ी गीजर अभी यहाँ पर। इसके बाद नहाने की बारी है। जॉग लगा है, ये जॉग लगा है, कहाँ? ये ये इतने काल आज मारेंगे नहीं। हाँ, आज सरात है, नहीं मारते आज। तो यहाँ पर अभी मस्त तरीके से आग जला रखी है, और हम आग भी सेक रहे हैं। ये है मूली, मूली काट के रखी हुई है बुलबुल ने, और हम मंदिर में चढ़ाने के लिए सब्जी बना रहे हैं। क्योंकि मंदिर में हम जब पितरों के तर्पण करेंगे उस टाइम फिर वहाँ पे भोग लगाते हैं, तो उस टाइम खाना जो भी हम बनाते हैं मंदिर के लिए वो वहाँ चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे मूली काट रखी है, इसमें आलू है और राजमा है, हाँ, और ये पापड़ है, हाँ, और बाद में मूली मिक्स करेंगे तो मिक्स सब्जी है मंदिर के लिए। और उसमें मम्मी ने खीर बनाई है, मम्मी ने उसमें मंदिर के लिए अलग से बनता है, मंदिर के लिए घर के अंदर ही बनता है। हाँ, और फिर सामूहिक जो हम जो लोग यहाँ शराब खाने आएंगे उनके लिए हम अलग से भी बाहर बनाएंगे तो वो दिखाएंगे। अभी यहाँ पे को हम लोग मंदिर के लिए थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बना रहे हैं, पूरी तलने की तैयारी चल रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के पूरियाँ बना रहे हैं हाथों में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी जो है बैठ के पूरी तल रही है, और अभी हम लोग हाथ से यहाँ पर पूरी बना रहे हैं। तो आज का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक तो मतलब ऐसा लग रहा था कि चौमास आज ही लगा है, इतना सारा कोहरा लगा था, धुंध लगी थी, हॉल जिसे कहते हैं हम। अभी ऊपर पहाड़ों में तो आप देख सकते हैं कि पूरी हॉल हॉल हो रही है, इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, और ऊपर भी पूरा हॉल हॉल हो रही है इधर भी। लेकिन अब इस साइड से हल्की धूप आने लग गई है, मौसम लगता है दिन तक खुल जाएगा। तो अभी हम जाते हैं दुदीले के पत्ते लेने। आज के दिन दुदीले के पत्ते भी मंदिर में रखते हैं, क्योंकि उससे ना हम जब पितरों का तर्पण करते हैं तो एक दुदीले के पत्ते का वो वैसा मतलब कटोरी जैसा बनाते हैं, तो उससे पानी दूसरे उसमें डालते हैं। तो इस बार मौसम भी ख़राब था तो हम सामान सामूहिक नहीं लेके आ पाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी गैलन है, ये भैया की गैलन है, तो इसमें से दो दो लीटर में तेल निकाल रहा हूँ और सामूहिक सरात के लिए इसमें रखूँगा। तो और वहाँ पे हमने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आलू बॉईल कर दिए हैं हमने, अब इनके आलू के गुटके बनाएंगे हम। इधर चल रहा है पूरी बनाने का। क्या करना है यहाँ पर? अभी तैयारी हो रही है मीठे पुए बनाने की, और ये आटा और गुड़ है, ये तेल है, यहाँ पर चाँदनी तल रही है और मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे हम दूसरा चूल्हा लगा रहे हैं, इसमें हम आग जलाएंगे। यहाँ पे हम आग जलाएंगे और यहाँ पे हम दाल चावल वगैरह बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आग जलाने की पूरी व्यवस्था कर ली और लकड़ी भी ले आया। अभी यहाँ पे को जो है दाल में सीटी लगा रहे हैं, तो वैसे तो हमने दाल कल शाम में भिगा दी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा और गलाना है, तो इसमें यहाँ पे को सीटी लगाने की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, और नीचे पे यहाँ पे को सामूहिक खाना बनेगा। तो अभी यहाँ पे को तैयारी हो रही है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे को आटा गूंदा जा रहा है पूरी के लिए। तो अभी यहाँ पे को वहाँ पे को हलवा भी भुना जा रहा है,
तो अभी यहाँ पे को अभी थोड़ी थोड़ी तैयारी चली है, अभी थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे को फिर दाल चावल सब्जी वगैरह सब बनाएंगे। अभी यहाँ पर हलवा बना रहे हैं भोग के लिए, और यहाँ पर अभी आलू वगैरह पापड़ वगैरह छिल ले हैं। अभी यहाँ पे को जो है सारे लोग आ गए हमारे मोहल्ले के, और यहाँ पे को सभी लोग तैयारी में लगे हैं। कोई आलू छिल रहा है, कोई पापड़ काट रहा है, कोई मूली काट रहा है। तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि सभी लोग मिलकर सारे काम करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आलू के लिए गुटकों के लिए जो है आलू छील के रख दिए हैं। यहाँ पे आलू के गुटके बनने तैयार हो गए हैं, और बाद यहाँ पे रायता और इधर पूरी, और मौसम भी अभी कुछ ऐसा हो रहा है। अभी यहाँ पे जो है तैयारी होने लगी है पूरी बनाने की, और अभी हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पे को पूरी बना रहे हैं। तो देख सकते हैं पूरी बनने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे को हो रही है रायता बनाने के लिए। पीली पीली ककड़ियाँ जो है सब काट दी है, और यहाँ पे को कद्दूकस कर रहे हैं पीली ककड़ियों का रायता बनाने के लिए। और यहाँ पे को जो है चाय बन गई है गर्मा गर्म दूध की। तो यहाँ पे के आलू के गुटके जो है फ्राई हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग मिलकर बढ़िया करके काम कर रहे हैं। आलू गुड़का बढ़िया बन रहा है, बायम बढ़िया इसको। ना 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 भैया, अगर मांग के लाया है तो ठीक है। जनता के लिए बाहर चले गए। ओम अग्नि ओम अग्नि ओम आया पितमती ये बार बाम दल दे जाऊं और ओम किला अक्षतम से कुछ यासा सुराश ओम तीन बोलो ओम ईशान विष्णु सुन कार्तिक यो पंजवे का हां एक चुजर बड़ा और कमर के कुछ हिला लो पीछे बैठा और अभी यहाँ पे को जो है श्राद्ध हमारे कंप्लीट निपट गए हैं, और यहाँ पे को जो हमने मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह बनाया था तो अभी यहाँ पे को सबको बांट दिया गया है। तो अभी यहाँ पे को सब लोग मिल के खा रहे हैं।
अभी यहाँ पे को जो है खाना पीना बन गया है कम्प्लीटली, और अभी यहाँ पे को सब लोग बैठ गए खाना खाने। पहले आदमी की बारी है, फिर थोड़ी देर में सभी लेडीज लोग खाएंगे। तो अभी यहाँ पे को सभी लोग बैठे हुए हैं बढ़िया करके खाना पीना खा रहे हैं। यहाँ पे को जो है खाने बने हैं, आलू के गुटके बने हैं और मिक्स दाल बनी है, मिक्स सब्जी बनी है, चावल बने हैं और खीर बनी है, रायता बने हैं और चटनी भी बन रखी है और पूरी बनी है, हलवा बना है, तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे को लोग बढ़िया करके एकदम मस्त तरीके से खाना खा रहे हैं और काफ़ी एकदम टेस्टी टेस्टी सा खाना बना रखा है, एकदम चटपटा सा। चल तो जाने जी ने छोड़े खांडे पर आप तो अंदर जा। अरे तू मान यार मुनि यार मान हम मैं कहेंगे बोले लो बाय। अभी यहाँ पे को तैयारी हो रही है ककड़ी तोड़ने की, तो कल के लिए ककड़ी तोड़ी जा रही यहाँ पर से। तिरसा करो आ जाएगा, मेल मेल हमा मिट्टी मुलायम हो रही है ना, मेल मेल हमा उबला हमा उबला हमा थोड़ा सा और उबला बस बस। लव काकड़ी ये है पहाड़ी ककड़ी। अब जोंक भी लग गया होगा, जोंक देखा पहाड़ी ककड़ी। तो अभी हम लोगों ने इतनी सारी ककड़ी तोड़ के रख दी है, तो ये कल चलेंगे हल्द्वानी को हमारे साथ। अभी हमारे वहाँ पे को श्राद्ध वगैरह सब निपट गए, खाना पीना भी हो गया है और अभी हम लोगों ने ककड़ी वगैरह भी तोड़ लिए, कल हल्द्वानी जाएंगे तो वहाँ के लिए भी हमने ककड़ी वगैरह तोड़ ली हैं। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, पूरा हॉल लग रखा है और बारिश भी हो रही है, तो आज मौसम तो साफ नहीं हुआ। लेकिन श्राद्ध हमारे वहाँ अच्छे से निपट गए, खाना पीना लोगों ने अच्छे से खा लिया है, लेकिन अभी भी हल्के हल्के बारिश के छींटे शुरू हो रहे हैं।